हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। देख लेते हैं पहले माइक तो ऑन है। तो अभी मैं सो के जस्ट उठी हूँ क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था। इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों अचानक से इतना ज़्यादा अजीब सा मौसम हो रहा है ना। मैं थोड़ा सा बाहर गई थी और सिर में पूरा दर्द होने लगा था, इसलिए मैं आज ना ही वीडियो शूट की हूँ ना ही कुछ भी। और मिस्टर राज भी नहीं शूट किए हैं क्योंकि वो भी चले जाते हैं सुबह सुबह पढ़ाने, और मन नहीं किया। अभी मैं सो के उठी हूँ तो एकदम सो के उठने के बाद ना लगता है कि थोड़ा भूख लग जाता है। तो अभी मैं ये देख सकते हो खजूर खा रही हूँ। कितने लोगों को पसंद है खजूर आप लोग बताना। और पता नहीं पीछे से आवाज़ आ रही है मिस्टर राज की। तो अभी शाम का टाइम हो गया तो मैं सोची चलो आज मार्केट भी मेरे को जाना है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मार्केट जाऊंगी मार्केट जाऊंगी, लेकिन अब हमें पैकिंग भी करने का टाइम आ गया है एंड मार्केट मेरे को जाना है। मार्केट से सब सामान लाना है, कुछ कुछ चीज़ें लाना है जो कि अभी से मैं वो ख़रीदना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी अब नीरज है, नीरज का ना पता है ट्रेन था जाने का, लेकिन हम लोगों ने कैंसिल करवा दी क्योंकि कुछ सेफ नहीं दिख रहा था। और अभी ये पता है जब आता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जाता है तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सब लोग रहता है ना तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज ये भी ब्लैक पहना है। तभी मार्केट जाएंगे और मार्केट से कुछ कुछ खरीद के लेके आएंगे घर के लिए। और शाम होता है ना तो अभी पता है क्या, एक तो सुबह ब्रेकफास्ट कर लो, दोपहर में लंच कर लो, और फिर शाम को ना कुछ मन करता है खाने का, चाहे सो के उठो या फिर ऐसे भी। तो हम सोचे कि चलो अभी हम मैगी के लिए भेजे हुए हैं तो आज मैगी खाएंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ गाइस, आज ना हमारे आज तो मम्मी पापा का एनिवर्सरी भी है एंड आज ना हमारे घर क्या है वो हल्दी कुटाता है ना, वो है आज हमारे घर। मतलब मेरी चाचा अब मतलब क्या बोले, मेरी जो चाचा है ना उनका हल्दी कुटा रहा है आज। तो आज बात मतलब कल से ऐसे घर पे बात नहीं हुई है, और मैं सोच रही थी कि चलो यार हल्दी कुटा रहा अच्छा लगेगा। और फिर मैं दादी कॉल करके बोल रही थी कि तुम आओगी, तो मैं बोली कि दादी मैं आ नहीं सकती हूँ अभी क्योंकि सब कुछ अभी वहाँ पे जाना अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि अभी मेरे को जाना है लेकिन अभी वो दादी के पास नहीं जाना है और घर नहीं जा पाऊँगी। शादी में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 जून को ही है शादी हमारे चाचा की, और जो चाचा है ना उनकी जो वाइफ है वो भी हमारी ब्लॉग्स देखती हैं, तो पहले से ही सारा कुछ वो भी जान जाएंगी, तो इसलिए प्लान लेते हैं। बाकी मैगी भी आ गया है तो हम जाते हैं, सबसे पहले जल्दी जल्दी बनाते हैं। अरे मैं खा रही हूँ तो ये लग रहा है, और उसके बाद मिस्टर राज को पहले दे देते हैं। बाकी आज मैं प्लॉट पे भी नहीं गई हूँ, प्लॉट पे क्या काम चल रहा है ये भी मैंने नहीं देखा है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, पता है मेरा क्या है ना कि मेरा सर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा देख लेती हूँ तो, और ऐसा ही हो गया था मेरे को आज। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे, जिनको क्या ही बोलूँ, बोल नहीं सकती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। और मैं ना उसी टाइम बोली कि यार मेरे को सोना है। मिस्टर राज बोल रहे थे कि तुम ब्लॉग शूट कर लो कुछ ऐसे डालने के लिए। और हाँ, हम लोग जब नेहा दीदी के घर गए थे ना तो वहाँ से क्या क्या गिफ्ट मिला था ये सब अभी मैंने दिखाया नहीं है, तो अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे आज मिस्टर राज मेरे को बोल रहे थे कि तुम वो दिखा दो जो भी मेरे को ड्रेस वगैरह मिला है, और भी उसके पहले मम्मी ने बहुत अच्छा अच्छा कुछ कुछ दिया है जो कि मेरे ज़रूरत का सामान है, तो उसको अभी मैं मतलब ओपन करके तो मैं देख ली हूँ लेकिन आप सभी से शेयर नहीं की हूँ। और उसको नए घर में हम यूज करेंगे इसलिए अभी रखे हुए, बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा, तो आप सभी को दिखाऊंगी मैं। बाकी अभी चलती हूँ रूम के अंदर और मिस्टर को पहले खाना देती हूँ, फिर मिलती हूँ। घर के लिए सामान लेने तो अभी चिमनी चिमनी तो ये सब तो नहीं, अभी प्लाई वगैरह ले रहा था। बाकी सुमित भाई की दुकान पे है कृष्णा प्लाईवुड, हमारे बराड़ा में फेमस शॉप है, तो अभी सारा कुछ यहाँ पे हैंडल्स वगैरह सब देख रहे हैं।
जो कितने मस्त मस्त डिजाइन वाले हैं। ले छह पीस, ये पीस हमने लिया है ना, ये वाला गोल्डन में रहेगा तो और मजा आएगा। रोज गोल्ड कलर है ये, सेम रोज गोल्ड है, कुछ ही रोज गोल्ड, थोड़ा सा अलग कलर लग रहा है ना। चलो बाकी चीजें धीरे धीरे लेते हैं, हैंडल्स लॉक वगैरह सारा कुछ यहीं से ले गए थे। जेरी है, जेरी नहीं 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 नहीं, अभी पता है जेरी को खाना दे चुके हैं और यहाँ पे इसको देख सकते हैं बैठा हुआ है। इसको आज कार्टून बनाएंगे एकदम मस्त। एकदम देखे वीडियो तो ऐसा ही वीडियो में इसको शूट करेंगे, मतलब वो कार्टून टाइप का ही है, बहुत ज़्यादा आप लोग मस्ती करेंगे अगर उस टाइप का वीडियो होगा तो, है ना। अभी मोबाइल में थोड़ा बिजी है क्योंकि मैसेज वैसेज आते रहता है तो दिखाएगा। अभी ये पता है बैक करके और ये यूट्यूब खोल के हमको दिखा रहा है, तो पहले हम लोग ऐसा करते थे कोई बोलता था तो हम वो बैक करके और जो यूट्यूब पेज है ना उसको ओपन कर देते थे। वैसे तो बहुत सारे पेजेस खुले होते हैं फ़ोन में। बाकी पंखा उनका चल रहा है तो आवाज़ थोड़ा कम आएगी। नहीं नहीं मैंने तो माइक लगा रखी है। बहुत दिनों से बोल रहा है कि हमको जाना है जाना है, और अभी जस्ट मौसी का फ़ोन आया था तो मौसी बोली कि, मतलब मौसी बोल रही थी कि भेज दो उसको क्योंकि वहाँ तो कोई काम वाम नहीं है। फिर मैं बोली कि मौसी रहने दो ना क्योंकि ये देखिए कैसे कर रहा है। फिर मैं बोली मौसी रहने दो क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे मतलब रहना नहीं है दो चार दिन, तो ये रहेगा तो थोड़ा देख उख लेगा, प्लस वैसे भी जाएगा और आएगा वहाँ से क्योंकि ये दिल्ली में रहेगा और दिल्ली में काम करता है। इसलिए मैं बोली कि नहीं, यहाँ बार बार आओ और जाओ वाला काम नहीं, क्योंकि घर कोई जाता है ना जल्दी आने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं इसको मना की हूँ। तो आप लोग क्या करना चाहोगे, आप इसको मना करना चाहोगे? मैं तो बोल रही हूँ कि घर पे कोई नहीं, और राशिद का भी ईद वगैरह है तो राशिद भी चला जाएगा तो घर पे कोई रहेगा भी नहीं, और सारा काम मतलब खुद से नहीं हो पाता, घर में एक आना एक आदमी चाहिए ही होता है। तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है? नहीं देखिए कैम ऑन कैमरा बोल रहा है मन नहीं लग रहा है। और ये तुमको एक दिक्कत है क्या? तब यहाँ तुम्हारा सब दोस्त बन गया है लोग, तभी भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। सोचो हम यहाँ तो अकेले ही रहते हैं गर्ल्स में, और तनु तो ऊपर ही रहती है, वो अपना पढ़ाई करती है, फिर आती है तो वो सो जाती है क्योंकि कॉलेज में थक जाती है, उसके बाद ही तुम बता रहे हो। इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलने के बाद भी मन नहीं है तो जेरी भी है इतना मस्त, इसका दोस्त जेरी आके इसको पकड़ लेता है। बहुत दिनों से बोल रहा है कि हमको जाना है जाना है, और अभी जस्ट मौसी का फ़ोन आया था तो मौसी बोली कि, मतलब मौसी बोल रही थी कि भेज दो उसको क्योंकि वहाँ तो कोई काम वाम नहीं है। फिर मैं बोली कि मौसी रहने दो ना क्योंकि ये देखिए कैसे कर रहा है। फिर मैं बोली मौसी रहने दो क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे मतलब रहना नहीं है दो चार दिन, तो ये रहेगा तो थोड़ा देख उख लेगा, प्लस वैसे भी जाएगा और आएगा वहाँ से क्योंकि ये दिल्ली में रहेगा और दिल्ली में काम करता है। इसलिए मैं बोली कि नहीं, यहाँ बार बार आओ और जाओ वाला काम नहीं, क्योंकि घर कोई जाता है ना जल्दी आने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं इसको मना की हूँ। तो आप लोग क्या करना चाहोगे, आप इसको मना करना चाहोगे? मैं तो बोल रही हूँ कि घर पे कोई नहीं, और राशिद का भी ईद वगैरह है तो राशिद भी चला जाएगा तो घर पे कोई रहेगा भी नहीं, और सारा काम मतलब खुद से नहीं हो पाता, घर में एक आना एक आदमी चाहिए ही होता है। तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है? नहीं देखिए कैम ऑन कैमरा बोल रहा है मन नहीं लग रहा है। और ये तुमको एक दिक्कत है क्या? तब यहाँ तुम्हारा सब दोस्त बन गया है लोग, तभी भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। सोचो हम यहाँ तो अकेले ही रहते हैं गर्ल्स में, और तनु तो ऊपर ही रहती है, वो अपना पढ़ाई करती है, फिर आती है तो वो सो जाती है क्योंकि कॉलेज में थक जाती है, उसके बाद ही तुम बता रहे हो। इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलने के बाद भी मन नहीं है तो जेरी भी है इतना मस्त, इसका दोस्त जेरी आके इसको पकड़ लेता है। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते हमारे इंस्टाग्राम आईडी है राज मनीष सचिन, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा,
वैसे इस ब्लॉग में मिश्राज बहुत कम आए हैं क्योंकि अभी वो पता नहीं कुछ कुछ देख रहा है तो बता रहे मेरे को। तो रहने थे इस ब्लॉग को यहीं तक, और जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो शायद हमारा पैकिंग वगैरह का होगा। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।